Hi everyone, today my topic is transcription. Meaning of transcription is flow of genetic information. The genetic information flows from DNA to mRNA and then to protein synthesizing machinery. So what is the flow of genetic information? Here, flow of genetic information from DNA to mRNA and then to protein synthesizing machinery. So information is from like this, DNA to mRNA, and from mRNA to protein. DNA transcription introduction. DNA transcription introduction. The synthesis of RNA molecule from DNA is known as transcription. DNA से RNA की बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. जितने भी यूकैरियोटिक सेल, उनके पास 5 क्लासेस है आरएनए की. जो 5 क्लासेस है वो है आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड माइक्रो आरएनए. जो फर्स्ट थ्री है वो इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में, जबकि स्मॉल आरएनए इन्वॉल्व है एमआरएनए की स्प्लाइसिंग में. स्मॉल आरएनए इन्वॉल्व इन एमआरएनए स्प्लाइसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. तो फर्स्ट थ्री इन्वॉल्व थे प्रोटीन सिंथेसिस में, जैसे कि RRNA, mRNA एंड tRNA इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में. ये तीनों के तीनों मिलके सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन का मॉलिक्यूल, और जबकि स्मॉल RNA सिंथेसाइज करता है mRNA, जबकि स्मॉल न्यूक्लियर RNA एंड माइक्रो RNA इन्वॉल्व होते हैं स्प्लाइसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ये क्या करते हैं, जीन रेगुलेशन को, जैसे हमारा RNA का मॉलिक्यूल है उसकी क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग करेंगे एंड उसको रेगुलेशन करेगा जीन की एक्सप्रेशन को. सिमिलैरिटी बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. अब सिमिलैरिटी कितनी है, क्या क्या समानताएं है ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन के बीच में एंड ट्रांसक्रिप्शन के बीच में. द प्रोसेस ऑफ डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस आर सिमिलर, दे इन्वॉल्व. सबसे पहले तो क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप होता है. जैसे कि डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस में कैसी क्या समानता है, लाइक जब डीएनए से डीएनए बन रहा है एंड जब डीएनए से आरएनए बन रहा है, इन दोनों प्रोसेस में क्या क्या सिमिलैरिटीज है. डीएनए से डीएनए की बनने प्रोसेस को बोलते हैं गाइस हम रेप्लिकेशन, एंड डीएनए से आरएनए की बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं गाइस ट्रांसक्रिप्शन. तो क्या क्या समानता है, सबसे पहली बात जो समानता ये है कि इनिशिएशन होगी, इनिशिएशन के बाद दोनों स्टेप में एलोंगेशन होगी, देन टर्मिनेशन होगी, और जो पोलैरिटी रहेगी वो रहेगी 5' to 3' पोलैरिटी. अब जैसे कि ये एक लार्ज मल्टी कंपोनेंट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स चाहिए दोनों ही प्रोसेस में, एडहेरेंस टू वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग भी चाहिए. इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड इन आरएनए सिंथेसिस रेदर देन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो यूज होते हैं आरएनए की सिंथेसिस में रेदर देन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स. अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं डीएनए की सिंथेसिस में, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं आरएनए की सिंथेसिस में. तो आई राइट अगेन, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं आरएनए सिंथेसिस में एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं डीएनए की सिंथेसिस में. अब आरएनए में यू होता है टी की बजाय, क्योंकि आरएनए में यू बॉन्ड करता है टी से, एंड दोनों में ही ए होता है. अगर आरएनए की बात करें तो यू आएगा, डीएनए की बात करें तो टी आ जाएगा. हाँ, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर की जरूरत पड़ती है, लेकिन डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्राइमर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है. ए प्राइमर इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन आरएनए सिंथेसिस, ओनली अ पोर्शन ऑफ द जीनोम इज ट्रांसक्राइब्ड और कॉपीड इनटू आरएनए. सिर्फ थोड़ा सा ही पोर्शन जो है जीनोम का वो ट्रांसक्राइब होता है आरएनए के अंदर, जबकि पूरा का पूरा जीनोम रेप्लिकेशन में जाता है. तो देयर इज नो प्रूफ रीडिंग फंक्शन ड्यूरिंग आरएनए ट्रांसक्रिप्शन जब डीएनए से डीएनए बनता है गाइस. मतलब कि जब डीएनए से डीएनए बन रहा है, जो हमारी रेप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ पे प्रूफ रीडिंग एबिलिटी है, जो कि डीएनए पॉलीमरेज है. लाइक डीएनए पॉलीमरेज 1, अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ तो हमारे पास 4-5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज है, लाइक डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 4, डीएनए पॉलीमरेज 5. हमारे पास प्रूफ रीडिंग एबिलिटी है जब डीएनए से डीएनए बन रहा है, बट जब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो यहाँ पे कोई भी प्रूफ रीडिंग फंक्शन नहीं है ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ आरएनए. ओके गाइस, व्हाट इज टेम्पलेट स्टैंड. द स्टैंड इट इज ट्रांसक्राइब्ड और कॉपीड इनटू एन आरएनए मॉलिक्यूल इज रेफर्ड टू एज द टेम्पलेट स्टैंड ऑफ द डीएनए. तो गाइस, वो स्टैंड जो कि ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है और कॉपीड हो रहा है आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए. डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है गाइस. जिस स्टैंड से
आरएनए बन रहा है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिसकी तरह बन रहा है उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। द अदर स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड एज अ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द डेट कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द डेट जीन। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5'। द सीक्वेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन द आरएनए मॉलिक्यूल इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल इन द कोडिंग स्ट्रैंड विच इज नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। द सीक्वेंस इज सेम एज डेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है गाइस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन होती है 3' to 5', जो इस पर जो इन्फॉर्मेशन होती है गाइस इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो इसके दूसरे तरीके से बनता है, देखिए इस डीएनए से क्या बन रहा है, इस डीएनए से बनता है गाइस आरएनए। अब जो ये आरएनए बनेगा वो इसकी तरह होगा जो आरएनए, तो इसलिए इस स्ट्रैंड को बोलते हैं हम कोडिंग स्ट्रैंड। अब कोडिंग स्ट्रैंड को अच्छा नाम दे दो भाई, इसको पॉजिटिव स्ट्रैंड भी बोलते हैं, इसको सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, एंड टेम्पलेट जो कि जो स्ट्रैंड आरएनए बना रहा है उसको उल्टा नेगेटिव एंड एंटी सेंस। इन द कोडिंग स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड द सीक्वेंस इज सेम एज डेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम बोलते हैं डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड, सॉरी टेम्पलेट स्ट्रैंड को बोलते हैं नॉन कोडिंग। और टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन रहती है गाइस वो रहती है 3' to 5', एंड जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसकी डायरेक्शन रहती है 5' to 3', एंड जो आरएनए बनता है वो बनता है 5' to 3' ही बनता है, क्योंकि ये कोडिंग से सिमिलर होता है कोडिंग, क्योंकि जो आरएनए कोड होके सिमिलर बन रहा है 5' to 3', इसलिए हमने कोडिंग स्ट्रैंड को क्या बोल दिया 5' to 3'। विद एक्सेप्शन ऑफ T4U changes coding strand corresponding exactly to the sequence of the RNA primary transcript which encodes the protein product of the gene. Next is template strand. In the case of a double stranded DNA molecules containing many genes, जो DNA double stranded molecules में बहुत सारे genes हैं, template strand for each gene will not necessarily be the same strand for the double helix. अगर मैं बात करूँ टेम्पलेट स्ट्रैंड की, तो इन केस ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है उसके बहुत सारे जीन्स हैं, द टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर ईच जीन विल नॉट नेसेसरी बी द सेम स्ट्रैंड फॉर द डबल हेलिक्स डीएनए, फॉर डबल डीएनए डबल हेलिक्स। दस से गिवन स्ट्रैंड ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल विल सर्व एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर सम जीन्स एंड कोडिंग स्ट्रैंड फॉर अदर जीन। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ डीएनए। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम क्या बोलेंगे, वो रीजन है डीएनए का जिसके अंदर क्या हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन, वही डीएनए के सीक्वेंस जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन भी हो रहा है, वही रीजन बढ़ भी रहा है, इलोंगेशन भी हो रहा है, वहाँ पर टर्मिनेशन भी हो रहा है। तो गाइस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इनटू द सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द जीन। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो रीजन है डीएनए का जिससे कि आरएनए बन रहा है, और इसके अंदर टोटल 3 प्रोसेस होगी गाइस। सबसे पहले जब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो सबसे पहले तो इनिशिएशन होनी पड़ेगी, स्ट्रैंड को टूटना पड़ेगा, उसके बाद इनिशिएशन होने के बाद आरएनए पॉलीमरेज को सिंथेसाइज कर इलोंगेशन होगा। अब क्योंकि गाइस हमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए सिग्मा फैक्टर की जरूरत पड़ती है, दैट इज प्रमोटर की तरह काम करता है, एंड इलोंगेट इलोंगेशन हो गया उसको टर्मिनेट खत्म भी तो होना पड़ेगा ना कहीं पे ट्रांसक्रिप्शन को, तो उसके लिए चाहिए रो फैक्टर, टर्मिनेट फैक्टर। तो वहाँ पे हमारी ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ भी रो फैक्टर मिलेगा आरएनए पॉलीमरेज को वहाँ पे जाके हमारी ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का मतलब है कि वो एंजाइम, वो आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए की कॉपी के ऊपर डीएनए को टेम्पलेट मानता है, डीएनए को टेम्पलेट मान के आरएनए को सिंथेसाइज करता है, दैट इज नोन एज द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इनटू सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंटेड टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द जीन। तो गाइस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड इनटू द सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंटेड टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द जीन। द एंजाइम अटैच एट ए स्पेसिफिक साइट जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर, उसके बाद क्या होता है प्रमोटर के बाद इनिशिएशन होता है, दिस फॉलोड बाय द इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक क्या ना हो जाए, टर्मिनेट ना हो जाए गाइस, जब तक प्रोसेस टर्मिनेट ना हो जाए। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी पूरी की पूरी कहानी टर्मिनेट नहीं हो जाती।
अब जैसे कि स्टार्ट होने के लिए मुझे चाहिए सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेट होने के लिए मुझे चाहिए आई नीड फॉर टर्मिनेशन इज द रॉ फैक्टर. नेक्स्ट इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. हियर टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड की जो डायरेक्शन है वो है 3' to 5'. कोडिंग स्टैंड जो कि आरएनए बन रहा है वो है 5' to 3'. ओके गाइस, तो जो टाटा बॉक्स होता है जो कि होता है डाउनस्ट्रीम पे, डाउनस्ट्रीम के लिए माइनस टेन यूज किया है, -35 और -10 रीजन पे होता है. फिर बाद में जाके ये देखिए 5' फ्लैंकिंग सीक्वेंस है, 3' फ्लैंकिंग सीक्वेंस है. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट द आरएनए प्रोडक्ट व्हिच इज सिंथेसाइज्ड इन द 5' to 3' डायरेक्शन इज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. जो सबसे पहले आरएनए बना है डीएनए उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और उसकी डायरेक्शन जो रहती है वो रहती है 5' to 3', उसकी क्या रहती है, उसकी रहती है डायरेक्शन. द आरएनए व्हिच इज मेड फ्रॉम द डीएनए हैविंग अ डायरेक्शन 5' to 3', एंड दिस आरएनए इज नोन एज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. इन प्रोकैरियोट्स दिस कैन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ सेवरल कंटिजियस जीन्स. इन मैमेलियन सेल्स इट इज यूजली रिप्रेजेंट द product of a single gene. The 5' terminal of the primary RNA transcript and the mature cytoplasmic RNA are identical. The starting point of transcription correspond to the 5' nucleotides of the mRNA. So what is the primary transcript? जब DNA से RNA पहली बार बना जिसकी direction थी 5' to 3', उसको हमने बोला primary transcript. अब prokaryotes के अंदर क्या है, उसके अंदर तो बहुत ही सारे कंटिजियस जीन्स है, लेकिन मैमेलियन सेल के अंदर ये एक सिंगल जीन का प्रोडक्ट है. आई मीन टू से दैट द प्रोकैरियोट्स जो मोनोसिस्ट्रोनिक है, यूकैरियोट्स मोनोसिस्ट्रोनिक है, प्रोकैरियोट्स पॉलीसिस्ट्रोनिक है. 5' टर्मिनल ऑफ द प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट एंड द मैच्योर साइटोप्लाज्मिक आरएनए आर आइडेंटिकल. जो स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन का वो कॉरस्पॉन्ड होता है 5' न्यूक्लियोसाइड ऑफ द एमआरएनए. व्हाट इज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट? This is designated position of +1 as the corresponding nucleotide in the DNA. The number increase as the sequence proceed downstream. The nucleotide in the promoter adjacent to the transcription initiation site is जो nucleotide है, nucleotide in the promoter वो जो है थोड़ा downstream में रहता है, और जो negative number जो है sequence as the proceed upstream away from the initiation site. This provides a conventional way of defining the location of regulatory elements in the promoter. So what is transcription unit? Here transcription unit, here the direction of template strand is from 3' to 5'. Here the direction of template strand is from 3' to 5', and from this template strand our RNA is synthesized from 5' to 3'. Okay, so I will be give you synthesize it. Promoter upstream present hai, RNA coding sequence present hai. So bacterial DNA dependent DNA RNA polymerase, guys, ye humme next lecture mein karenge ye wala topic, kyunki ye bacterial ke bare mein aa gaya hai. So thank you so much.